हेलो फ्रेंड्स, नारियल पानी पी लो। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 7, जिम मुझे पहुंच जाना चाहिए था 6 बजे पर, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो मुझे 8 बजे सोना होता है, ओए ओए कितना गोरा लग रहा हूँ, 8 बजे सोना होता है वो मैं अब सो जाऊँगा, मतलब अब मैं सो चुका हूँ ऑलरेडी। तो फटाफट जिम जाता हूँ, ट्राई सब के मारनी लेग्स थी पर लेट काफ़ी हो चुका हूँ, इतना टाइम नहीं है लेग्स मारने के लिए, इसलिए सिर्फ ट्राई सब का वर्कआउट करके मिलता हूँ फिर आपको। वर्कआउट पूरा हो गया, ट्राइसेप का खींच के ट्राइसेप मार दिए, अब जा रहा हूँ गुरुद्वारे, फटाफट मत्था टेकूंगा, प्रोटीन पी लिया, आज जूते गीले ही पहन लिए थे, फिर रात को मम्मी को बोल दिया था कि ना सारे जूते धो दो, मम्मी ने सारे जूते धो दिए, पर लेकिन मम्मी ने क्या किया, मशीन ऑन करनी भूल गई, सर्फ डाल के छोड़ दिया था, तो फिर मैंने चलाई थी मशीन, फिर उसके बाद सो गया था, फिर सुबह सुबह उठ के जूते गीले थे निकाले, कोई बात नहीं पहन के आ गया, अपने को तो जिम आना है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, जिम ज़रूरी है। चलो गुरुद्वारे जा रहा हूँ, दर्शन कराता हूँ तुम्हें। मम्मी तुहार बर्थडे आ रहा है, का पार्टी करनी है, मैं सोचूं? नहीं तू ओवर सोच लेता। मैं क्या ओवर सोच लूंगा, दुबई जाने का सोच लूंगा। नहीं तू बहुत खर्चा करवाता, बस एक तारीख की भी छुट्टी है मेरी, 2 तारीख की भी छुट्टी है, 2 दिन तो कम से कम पार्टी चलेगी। हाँ तो बाहर से खाना हो जाएगा ना, 30 तारीख को वैल्यू नहीं है ना। 30 तारीख को, अरे 30 तारीख को ही तो सारी वैल्यू है, 30 तारीख को ही तो सारी वैल्यू आई थी निकल के। मम्मी आपको खुशी है आपके पैदा होने पे? हैं? पता ही नहीं। मेरे को तो छोड़ो बुरा लगेगा। बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवा, क्या करवा लूं, ठीक करवा लूं? नहीं मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे तो सिर्फ शीशा ठीक होगा। हाँ। तो दूसरी जगह हम जैसे सर्विस वगैरह के लिए देते हैं वो शीशा भी ठीक कर दे, वो जो तेरे नहीं वगैरह नहीं नहीं शीशे की पूरा अलग है दुकान, उसमें सिर्फ शीशे का ही काम होता है, ठीक है, वो शीशा चेंज करेगा, उसके बाद ये जो पेट्रोल पंप है ना यहाँ पे दूंगा, ये करेगा रबिंग, उसके बाद मैं करवाऊंगा बोसिंग। मैं तो चाह रहा हूँ कि मुझे बंदा मिल जाए, किसी ने जानबूझ के कराओ तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं उससे पैसे निकलवा लूँगा, और पैसे निकलवाऊंगा मैं 13,000 पे, काम करवाऊंगा मैं 4,000 पे में, ले 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 ले, फिर बाकी 30 को पार्टी। अरे तो इससे जिससे हमने पहले करवाया था, हाँ उससे नहीं करवाने, वो तो कंप्लीट ही नहीं। नहीं नहीं सेम रेट दोनों का सेम है। हाँ अच्छी करी थी बहुत, नो डाउट अच्छी। अरे ये क्या हुआ, रविंग नो डाउट बहुत अच्छी करी थी उसको, पर मैं सोच रहा हूँ इस बार ना कलम ना फिरवाऊं, कलम फिरवाना मतलब ये होता है कि जहाँ से ना गहरे गहरे डाउट वो होते हैं ना डेंट, उस पर एक जैसे वाइट कलर की गाड़ी है तो वाइट कलर की एक वो फेर देता लाइन, बट लेकिन वो अलग ही चुभती है, मतलब पता चलता है आपको। तो गाइस 15 प्रो कैंसिल हो गया है, पहले ही बोल दिया मम्मी ने कि नहीं लाके दूंगी। मैं तो गेरी इसलिए रहा था, मेरा तो रीजन ही यही था बार बार फोन गिरने का, कि मम्मी को लगे कि अब ये टूटने वाला है। यार वैसे तो नहीं गिरता था, अब पता नहीं क्या हो गया इसको, क्यों गिर रहा है ये। 150 रुपए का ले लो आप, जो सॉरी भाइयों फोन बंद हो गया था, पता भी नहीं पहले भी वीडियो चल रही थी कि नहीं, बस चल रही हो थोड़ा सा इधर, फोन उधर नहीं हो पा रहा। बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवावेंगे, कॉपीराइट आ जाएगा। और अरे मम्मी आज फिर वही वो लड़का मिला, वो ना लड़का कल अपने लग गया मेरे से ना,
एक है जिम में कि आप बहुत उल्टी उल्टी गंदी गंदी बातें बोलते हो ब्लॉग में, मतलब वो उसमें कल्पन सी आ गई। मैं कहा भाई तू ये सब बोलता नहीं, करते नहीं। कह रहे करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबके सामने बोल दो। चल ठीक है यार, तेरे अपने ओपिनियन है। फिर मैंने कुछ को कुछ बोला नहीं यार। चल जैसा तेरे को अच्छा लग रहा है तू वैसा कर। कह रहा है कि आपको ब्लॉग नहीं देख सकता मैं घर में। मैं कहा देख सकता है यार, तेरे घर वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर अलग अलग बैठ के। अब पता नहीं वो समझा होगा इस बात को कि नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं। फिर साथ में वो भी खड़ा था ट्रेनर, कह रहा अक्षय मतलब कुल मिला के ये बोलना चाह रहा तेरे को कि तेरा वो कंटेंट पसंद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सबको क्या पसंद लगा रहा है। पर वो आया नहीं, समय बड़ा सपोर्ट करता। मैंने उनको बोला ना कि ऐसे ऐसे थे मेरे दोस्त टूट गए कि ये सब वीडियो वगैरह बनाने लगा, तो कह रही कि ये तो गलत बात है, उल्टा सपोर्ट करना चाहिए। कह रही हम तू वीडियोस बनाते हैं, मैं तेरे को सपोर्ट ही करूँगी ना, कि मैं तो चाहती हूँ कि तू और आगे बढ़े और ग्रो करे। कह रही ये थोड़ी होता है कि अपनों के साथ ऐसे कर। नहीं, लेकिन ये तो है, जैसे मैं अगर मैं रिलेटिव्स वगैरह में बोलूँगी मेरा बेटा वीडियोस वगैरह बनाता है ये सब करता है, इंद्री जो गंदी गंदी जो गालियाँ वगैरह देता है हाँ, तो वहीं पे आके आके अटक जाता है, क्योंकि हम लोगों के किसी में भी ऐसा कुछ नहीं चलता आज तक। सब चलता है, नहीं चलता। मेरे को बता दो ना, मैं अगर कभी कभी बैठा हूँ, जैसे चलो मामा वगैरह हो गए उनके साथ बैठा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, वो हो गए चाहे किसी के साइड के जो सारे लोंडे लपाड़े हैं ना, सब एक से एक है, एक से एक। पर लेकिन वही है ना अपने आप। हाँ हाँ, मामा को नहीं बोल रहा मैं, सगा मामा को नहीं बोल रहा, और जो है तो बिल्कुल भी नहीं। हमने आज तक छोटे बचपन से नहीं आज तक कभी वो किया, तो लड़कों के साथ भी बैठता होगा तो शायद उसकी तभी सबके साथ मेरे को। पर लेकिन हाँ, ये चीजें मेरे को वो नहीं लगता कि ना कि जो एकदम भोले भोले से लड़के होते हैं ना, शरीफ से, जिनको पता ही नहीं होता दुनियादारी का, वो कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। बाय, छोड़ाऊं क्या, सीट तक बिठाऊं? कैसे कैसे जी लेते हैं जिंदगी, रामखोरी करो थोड़ी, भोले भोले से। चलो कोई नहीं, सबके अपनी जिंदगी है, सब अपना बढ़िया है कर रहे हैं, दाल रोटी सब चलनी चाहिए सबकी। बस मेरे को थोड़ा पिज्जा खाना है, इसलिए तुम सब्सक्राइबर बढ़वा दो फटाफट, जिससे कि मेरे घर में पिज्जा बने। घर में नहीं, सॉरी बाहर से। कल दोस्त ने बुलाया था, पर लेकिन उसने ढंग से बोला नहीं कि आजा, तो समझ नहीं पाया कि मैं अगर जाऊंगा हरिनगर तो वो आएगा कि नहीं। चलो यार, ये क्या तुम्हें फालतू की बात बता रहा हूँ, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करता हूँ। कुछ गिनी चुनी चीज़ें तो हैं ही मेरी डेली की, जिसमें तुम्हें परेशानी लगती है, जिसमें मुझे परेशानी लगती है, करेक्शन कि एक तो रीच नहीं आ रही, सुबह उठा नहीं जाता, सबके साथ ही परेशानी है भाई। भाई किसी को मैंने बोला था कि ना एक हफ्ते के अंदर तुम रीच देखना, सारी ओरियो डेड हो रही। मंडे को बोला था, मंडे को आ जाएगा, अभी मतलब वीरवार हो गया, आज जिम के लिए नींद खुली नहीं, लेग्स मारनी थी तो टाइम बहुत कम था, इस वजह से मैंने ट्राइसेप मार ली। बाइसेप मारूंगा, ट्राइसेप मारूंगा, इसी मारूंगा। क्या लगता है यार कि ऐसे उल्टा सीधा गाली देनी चाहिए? दे दो यार, क्या दिक्कत है? अब तो वो भी आ रहा है यूट्यूब की तरफ से, वो निकल गया है रूल कि अब्यूजिंग लैंग्वेज वालों को येलो डॉलर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वैसे भी येलो डॉलर वगैरह के लिए मुझे क्या दिक्कत, मुझे क्या मिल रहा है, मेरा तो मोनिटाइज ही नहीं हुआ यार। ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं हो सकता कि साला 200 सब्सक्राइबर पे मोनिटाइज हो जाए? 200 तो मैं कर दूंगा, मुझे इतना तो भरोसा है अपने कि अभी 170 है, 77, 200 तो मैं कर दूंगा सब्सक्राइबर। जनता कैसे एक्टिवेट करूं मैं? फॉलो तो करते हैं मेरे को 10,000 बंदे, पर एक्टिवेट क्यों नहीं है वो, देख नहीं क्यों नहीं पा रहे? एक्सरसाइज की वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में तो उससे बड़ी चलती थी, पर लेकिन अब एक्सरसाइज की भी बनाई है मैंने सारी पिछले हफ्ते, वो भी नहीं चली। अब कहते हैं, सब कहते हैं ये कुछ डिफरेंट ला, डिफरेंट का डिफरेंट क्या, मैं नंगा नाचने लग जाऊँ क्या?
चलो यार इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करता हूँ। कुछ सोचता हूँ कि ना गाड़ी में बैठे बैठे क्या बना सकता हूँ, कुछ बनाता हूँ और फिर मैं instagram.com पर पोस्ट करता हूँ। आप अगर नहीं देखते तो देखो अनफिट अक्षय को, फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, रीच बढ़ाओ, मेरे को मिलियन में जाना है।